जय श्री राम। पुनः स्वागत है सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। जो हम ये पिंडदान करते हैं किस चीज का करें, कई लोगों ने पूछा तो हमने उनको बताया भी। भैया कई बार लोग कहते हैं गुरुजी खीर बनाना है, क्या बनाना है? सिंपल सी बात है, जैसे आप चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, ऐसे ही आपको पकाना है। पानी की जगह दूध में पकाना चाहिए। जब पक जाए तो एक अच्छे बर्तन में रख दीजिए, पत्ता वगैरह हो नहीं ऐसे बर्तन हो उनमें रख करके, और उसमें जो है तिल मिला देना चाहिए। तिल मिला करके और इसके बाद में इसमें घी मिला देना चाहिए। घी मिला करके शहद मिला देना चाहिए और इसका जो है हमें पिंड बनाना चाहिए। पिंड मतलब गोलाकार होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में जैसे आठ तो हमारा अनिवार्य हो गया, मतलब छह पिंडदान तो ये अनिवार्य है। इसके बाद में एक विकर होता है, सात होता है। इसके बाद जिन जिन लोगों के लिए आपको बनाना है उन लोगों का, जैसे आपने हाथ में घी लगा लिया, दोनों हाथ में से हम लड्डू बनाते हैं बहुत इजी वे में, ऐसा आपने लिया लेकर के ऐसा बना लेंगे, ना बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा इस तरह से आप बना सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए। तो इसमें आप भगवान के मंत्रों का हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे ध्यान करते हुए, और ऐसा मन में भावना रखें कि हमारे जो पितृ लोक हैं जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया बड़ा किया वो किया, प्रभु उनको आप शरण दो, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है, आप उनको अपने शरण में जगा दो। ऐसा पुनः आपने घी लिया, एक बन गया, ऐसा दूसरा बनाया, और भी अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे छह ये हो गया, एक लंबा हो गया सात। उसके बाद जितने लोगों का मौसी है मौसा है, कोई भाई है मित्र है सखा है गुरु है कोई सेवक है, और फिर एक सभी के लिए जो जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, पिताजी के कुल के लिए और एक माताजी के लिए अतिरिक्त बना करके रख देना चाहिए। तो बहुत सिंपल वे में, कई लोग कहते हैं खोवा का पिंडा, खोवा का पिंडा केवल जो है 10 दिनों तक ही उत्तम माना गया है, या कई लोग जौ के आटा का, आप जौ का आटा जो स्वयं नहीं खा सकते हैं, जो हम वो नहीं कर सकते हैं, उसका आप कैसे बनाएंगे? तो आप ऐसा देखिए दो बन गया, ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं। बंधुओं इस तरह से आपने ये निर्माण कर लिया, रख लिया, हाथ धो लिया, जगह को साफ कर दिया, फिर पूर्वाभि में खोकर के जैसे आचार्य वगैरह है वैसा आप कर सकते हैं। ये एक लंबा रहता है और बाकी सब जितने लोगों को आप देना चाहे उतना बना सकते हैं। और इस तरह से आप बहुत बड़ा कार्य, जो बड़े बड़े यज्ञ करने का फल होता है उससे कहीं ज्यादा फल आपको इन सत्कर्मों से प्राप्त हो सकता है। हम नहीं करते तो हमें बहुत बड़ा दोष लगता है, हमें अवश्य प्रयत्न करके जतन करके करना चाहिए थोड़े से कार्य में। एक बहुत हंसी है, एक किसी ने कमेंट्स किया, गुरुजी क्या जिंदगी भर करते रहे हम? तो अगर यही बात माता पिता भी सोच लें कि क्या हम इनको रोज रोज नहलाएं खिलाएं करें तो कैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और साल में केवल एक दिन, वो भी 15 दिनों के अंदर एक दिन आपको ये कार्य करना है, और जिस दिन पिताजी की पुण्यतिथि हो उस दिन भी चाहे तो एक पिंडदान होता है वो कर सकते हैं, नहीं करें तो ब्राह्मण भोजन करा दें अथवा सीधा निकाल दें तो भी हो सकता है। पर साल में पितृपक्ष में जिस दिन पिताजी की तिथि हो, अगर पिताजी जीवित हैं तो दादाजी की तिथि हो, उसी दिन ये सारा कार्य कर लेना चाहिए। कुछ इससे संबंधित मन में संदेह हो शंका हो तो आप अवश्य पूछेगा, मैं बताने का निश्चित प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले भोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले।